Hello everyone, today chapter number 3, data handling exercise 3.3. Question number first, in question number first, use the graph to answer the question. आपको एक graph given है, एक diagram given है, आपको उस diagram को read करके, आपको in A और B parts का answer find out करना है. First part में लिखा हुआ है, which is the most popular pet? अब ये जो आपको ग्राफ दे रखा है इसमें पेट्स और कितने हाउसेस में वो रखा गया है वो दे रखे हैं. अब पहला डॉग, डॉग रखे जाते हैं 8 फैमिलीज में. सेकंड कैट, कैट रखी जाती है 10 फैमिलीज में. रैबिट 2 फैमिली में. हैमस्टर 6 फैमिली में. एंड जो अदर हैं वो रखे जाते हैं 4 फैमिलीज में. तो आपको बताना है इस ग्राफ को रीड करके कौन सा पेट सबसे पॉपुलर है. तो सबसे पॉपुलर होगा तो ज्यादा फैमिली में रखा जाएगा. सबसे ज्यादा फैमिलीज में क्या रखा गया है? कैट. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया कैट. कैट्स आर मोस्ट पॉपुलर पेट. Second, how many children have dog as a pet? अब कितने बच्चों के पास या कितनी families में dog as a pet रखा गया है? तो कितनी family में? 8. तो आंसर आ जाएगा 8. Question number 2. Read the bar graph which shows the number of books sold by a bookstore. अब ये जो बार ग्राफ दे रखा है ये हमें दिखा रहा है कि एक बुक स्टोर से कौन कौन से ईयर कितनी कितनी बुक सोल्ड हुई है ड्यूरिंग 5 कंसेक्यूटिव ईयर एंड आंसर द क्वेश्चंस. फर्स्ट पार्ट में बोला गया है. अब पहले मैं ग्राफ का बता देता हूं. फर्स्ट लिखा हुआ है 1989 में. ये तो आपको दे रखे हैं ईयर्स और ये दे रखी है बुक्स कितनी सोल्ड हुई है. ये फर्स्ट 1989 200 से थोड़ा सा नीचे, 1990 500 से थोड़ा सा नीचे, 1991 ये 300 के नियर बाय है, 1992 ये 200 से थोड़ा सा ऊपर है और 1993 600 के आसपास है. तो फर्स्ट पार्ट बोला गया है हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989 1990 एंड 1992. आपको बताना है कि 1989 में 1990 में और 1992 में कितने नंबर ऑफ बुक सोल्ड की गई थी. तो फर्स्ट 1989, अभी 1989 मैंने बताया कि 200 से थोड़ा सा नीचे है तो ये नियर बाय होगा 100 से 150 से ऊपर और 200 के बीच में तो ये नियर बाय होगा 175. तो फर्स्ट पार्ट का इन 1989 175 बुक्स वर सोल्ड. सेकंड है 1990. अब 1990 में 500 से थोड़ा सा नीचे है तो ये नियर बाय होगा 475 बुक्स और इन 1992 इट इज मोर देन 200 देन नियर बाय 225 बुक्स. अगर ये ग्राफ में प्रॉपर ऐसे लाइन डाला के बना होता तो हमें साथ ये पता चल जाता कि ये लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, मतलब 275 या 276. अभी तो हमने सिर्फ एक कैलकुलेशन की है कि 200 से ऊपर है, 150 से भी ऊपर है और 200 से कम है तो इसलिए हमने 150 और 200 के बीच की वैल्यू ली. सेम इसमें और सेम इसमें. तो फर्स्ट पार्ट में 1989 में 175 बुक सोल्ड हुई है, 1990 में 475 बुक सोल्ड हुई है और 1992 में 225 बुक सोल्ड हुई है. सेकंड पार्ट, इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड. कौन से साल में 475 बुक सोल्ड हुई है? अभी फर्स्ट पार्ट में हमने 1990 में कितनी बुक सोल्ड की थी? 475. तो 475 बुक्स सोल्ड इन 1990. तो 1990 में 475 बुक सोल्ड हुई है. फिर बोला उसने कि बताओ 225 बुक्स कौन से साल में सोल्ड हुई थी. अब
225 का भी हमने फर्स्ट पार्ट में आंसर लिखा था, कौन से में, 1992, तो इसका आंसर हो जाएगा 225 बुक्स सोल्ड इन 1992. इन थर्ड पार्ट, इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक सोल्ड, कौन से साल में 250 से कम बुक सोल्ड हुई है, कौन कौन से ईयर में 250 से कम बुक सोल्ड हुई है, तो 250 से कम बुक जो सोल्ड हुई है वो टू ईयर्स में सोल्ड हुई है, एक तो 1989 कितनी थी 175, 1992 कितनी थी 225. फोर्थ पार्ट, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक सोल्ड इन 1989, आपने कैसे एस्टिमेट लगाया कि 1989 में कितने नंबर ऑफ बुक सोल्ड हुई है, तो 1989 फर्स्ट ही है हमारा. अब ये जो ग्राफ बना हुआ है इसमें जो वैल्यू है ये 100 से ऊपर है, तो फर्स्ट लिखा 100 प्लस इन दोनों के बीच में गैप कितने का है 100, और ये जो ग्राफ है ये देखने से आपको लग रहा होगा कि हाफ से भी ऊपर है, हाफ कहां बनेगा, यहां बनेगा नहीं 150 यहां बनेगा, तो ये पूरा 100 और 200 के बीच में कितना पोर्शन बन रहा है ग्राफ, ये बन रहा है 3/4, टोटली बन रहा है 3/4, तो 3/4 किसका, 100 प्लस 3/4 100 का, 3/4 ऑफ 100, तो 100 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 100, 100 प्लस जब 3 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 डिवाइड बाय 4, 4 से 4 बन जा 4, 4 7 जा एंड 4 5 जा, देन 100 प्लस 75 आंसर इज 175. कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 3. In question number 3, number of children in 6 different classes are given below. 6 different classes के बच्चों की एक table बना के list दी हुई है. आपको इस data को ये table में लिखा हुआ है. इस data को bar graph में represent करना है. फिर नीचे कुछ question दिए गए हैं. उन question का answer भी देना है. First part वो लगा है, how would you choose a scale? आप graph में कैसे scale को या किस scale को choose करोगे? B part में Which class has the maximum and the minimum number of children? किस क्लास में सबसे कम और किस क्लास में सबसे ज्यादा बच्चे हैं? Second part, find the ratio of the student of 6th to 8th class. आपको ratio find out करना है 6th class के बच्चों का और 8th class के बच्चों का. चलिए start करते हैं. पहला काम है हमारा bar graph draw करने का. अगर आप question की statement लिख रहे हो तो well good. अगर आप statement नहीं लिख रहे तो आपको ये table बनानी compulsory है. तो आप पहले टेबल ड्रॉ जरूर करेंगे. अब टेबल में लिखा हुआ है क्लास 5th 6th 7th 8th 9th 10th नंबर ऑफ चिल्ड्रन है. 5th में 135 120 95 100 90 और 80. अब मैंने अभी आपके पास हो सकता है बार ग्राफ ना हो तो आप क्या करोगे उसके लिए थोड़ा सा स्पेस अपनी नोटबुक में खाली छोड़ देंगे. मैंने एक थोड़ा फॉर्मेट भी बना के बनाया है वो मैं आपको दिखा रहा हूं. आप कैसे करोगे ये देखिए. सपोज करो आपकी नोटबुक में जब आप एंट्री करोगे आपने लिखा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट, फिर आपने यहां से पूरी स्टेटमेंट लिखने के बाद यहां से आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया. जब आप ग्राफ बनाओगे, ग्राफ अगर आपके पास अभी अवेलेबल है तो आप अभी साथ के साथ पेस्ट कर लो, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप वहां उसके लिए स्पेस छोड़ दो. जब आप ग्राफ बनाओगे तो सपोज करो कि मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ग्राफ एक ग्राफ शीट के इतने से पोर्शन में आ गया है. आप इसे कट करो, इसे ऐसे फोल्ड करो और अपनी नोटबुक में थोड़ा सा स्पेस छोड़ के यहाँ पे इसे पेस्ट पिन कर दो या फिर पेस्ट कर दो. चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राफ. ग्राफ में मैंने एक तरफ लिखे हैं 0 1 0 10, 20, 30, 40 अप टू 140 तक काउंटिंग लिख दी है. उसे ये है हमारे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस और ये जो इस तरफ वाला स्केल रहेगा ये होगा हमारा क्लासेस. ये है हमारी क्लास और ये हमारे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस. जो हमारे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है वो मैंने 0 से 0 1 2 3 ना लेके 0 10 20 30 40 50 60 70 ऐसे रिप्रेजेंट किए हैं. और आपने देखा होगा
बार ग्राफ पे ऐसे डार्क लाइन, सॉरी जो आपका ग्राफ ग्राफ शीट होती है उस ग्राफ शीट पे ऐसे डार्क लाइन लगी होती है, ये मैं एक एग्जांपल लेकर बता रहा हूं, ऐसे लाइनें लगी होती हैं। अब सपोज करो इनके बीच में बिल्कुल बारीक सी लाइन ये हाफ रिप्रेजेंट करती है। अब मैंने स्टार्टिंग जीरो से की 10, 20, 30, 40 up to 140 तक इस तरफ। अभी मैंने कुछ, अब सपोज करो आपको फिफ्थ क्लास का डाटा इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे? आप पहले स्टार्ट करोगे ये फर्स्ट टू डार्क लाइन जीरो से इस तरफ, फर्स्ट टू ये पहली दो डार्क लाइन। अब कितनी वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है? 135। तो जो ये फर्स्ट लाइन है ये चेक करो कि 135 पे कहां है, 130 और 140 के बीच में लाइन लगी होगी वो 135 की है, तो आप इसे ऐसे उसी डार्क लाइन को थोड़ा पेंसिल से डार्क करके ऐसे कर दोगे। थोड़ा इसे ठीक बना देता हूं, ये ऐसे बन जाएगा। अब सेकंड उसने बोला गया है सिक्स्थ क्लास के लिए 120 रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद ये बीच वाला ब्लॉक आप छोड़ोगे ब्लैंक। अब सेकंड स्टार्ट करोगे यहां से, कितना है 120, 120 कहां है ये रहा, इसके सामने ये वाली जो डार्क लाइन होगी इसे आप पेंसिल से ऐसे डार्क कर दोगे। मैं ऊपर तक इसे कंटिन्यू कर देता हूं ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। देन नेक्स्ट इज सेवेंथ क्लास, सेवेंथ क्लास में वैल्यू है 95। अब 90 और 100 के बीच में चेक करेंगे, 90 और 100 के बीच में ये बनेगा। अब आपको ये वाला ब्लॉक खाली छोड़ना है, जो खाली ब्लॉक है वो मैं इरेज कर देता हूं ऐसे ताकि कंफ्यूजन ना हो कुछ। अब नेक्स्ट है 95, क्लास है सेवेंथ, 95 बनेगा आपका यहां, ये हो गया 95। अब फिर नेक्स्ट ब्लॉक ब्लैंक छोड़ेंगे ये वाला, देन क्लास है 8, वैल्यू है 100, 100 का जाएगा यहां पे। ऐसे करके आपको ये पूरा का पूरा ग्राफ ड्रॉ करना है। अब मैं इसे थोड़ा सा इरेज करके थोड़ा अच्छे फॉर्मेट में बना, जो पहले ग्राफ बनाया था वो आपको समझाने के लिए था, अब मैंने वो ग्राफ इरेज करके ये थोड़ा नीट एंड क्लीन वे में विदाउट लाइनिंग बना है। अब मैं आपको दोबारा एक बार बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या लिखा गया था। इसमें ये जीरो से लेके 140 तक ये तो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैं, ये हमारी इस तरफ है क्लासेस जिसमें फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ और टेंथ। और फिफ्थ क्लास की वैल्यू है 135, तो 135 जीरो से स्टार्ट करेंगे नीचे से और 135 तक फर्स्ट फिफ्थ क्लास। देन नेक्स्ट है 120, नेक्स्ट है 95, नेक्स्ट इज 100, देन 90, देन 80। तो ऐसे एक ग्राफ आपको ग्राफ पेपर पे या ग्राफ सीट जो होती है उस पे ड्रॉ करना है। अगर आपके पास अभी है तो आप उसे अभी साथ के साथ ड्रॉ करें और उसे अपनी फेयर नोटबुक में पेस्ट कर लें। अगर आपके पास अभी नहीं है तो आप स्पेस छोड़ दें और फिर जब आपके पास ग्राफ शीट अवेलेबल हो जाए तब आप उसे पेस्ट करेंगे। तो चलिए फर्स्ट पार्ट का आंसर, हाउ वुड यू चूज ए स्केल। अब मैंने बताया था जब लाइनिंग वाला ग्राफ ड्रॉ किया था मैंने बताया था कि यहाँ ये नीचे वाली अगर मैं फर्स्ट लाइन ले रहा हूँ तो ये हमारी सेकेंड लाइन होगी और ये जो गैप होता है ग्राफ के अंदर ये होता है 1 सेंटीमीटर। तो मैंने जो 1 सेंटीमीटर में कितनी वैल्यू ली है 10, हर एक 1 सेंटीमीटर में वैल्यू कितनी ली है 10 का गैप है तो 1 सेंटीमीटर में कितनी वैल्यू है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू
10 स्टूडेंट, तो हमारा स्केल क्या बनेगा, वी विल चूज ए स्केल 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट। सेकेंड पार्ट में बोला गया है विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब मैक्सिमम और मिनिमम यहां से देखो सबसे ज्यादा किसमें है, फिफ्थ क्लास में, तो मैक्सिमम कौन सी क्लास में है, फिफ्थ में। सबसे कम कौन सी क्लास में है, 80, कौन सी में, टेंथ में, तो मिनिमम कौन सी में, टेंथ क्लास में। बी पार्ट का सेकंड पार्ट बोला गया है फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट ऑफ सिक्स्थ टू एट्थ क्लास। अब सिक्स्थ में कितने स्टूडेंट है, 120, एट्थ में कितने हैं, एट्थ में है 100, तो रेशियो इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिक्स क्लास स्टूडेंट अपॉन नंबर ऑफ एट्थ क्लास स्टूडेंट, 120 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 12 अपॉन 10, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, देन रेशियो आ गया 6:5। कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड द सेकंड टर्म इज गिवन। किसी एक बच्चे का परफॉर्मेंस फर्स्ट टर्म का और सेकंड टर्म का आपको एक टेबल में दे रखा है, आपको उसका डबल बार ग्राफ बनाना है और जो नीचे आंसर दे रखे हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं सॉरी, उनके आंसर भी देने हैं। फर्स्ट आपको ये टेबल कंपलसरी है, कंपलसरी आपकी नोटबुक में बनाना कंपलसरी है। लिखा हुआ है सब्जेक्ट इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस और सोशल साइंस। फर्स्ट टर्म में उस बच्चे के मार्क्स हैं 67, 72, 88, 81, 73, देन सेकंड टर्म 70, 65, 95, 85 और 75। फर्स्ट पार्ट इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इंप्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, किस सब्जेक्ट में ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ। सेकंड इन विच सब्जेक्ट द परफॉर्मेंस हैज लीस्ट, किस सब्जेक्ट में कम इंप्रूवमेंट हुआ और किस सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस डाउन गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले बनाएंगे बार ग्राफ। अब हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बनाया था सिंगल बार ग्राफ, अब यहां बनेगा हमारा डबल बार ग्राफ। अब डबल कैसे बनेगा, काम बिल्कुल सेम करना है बट थोड़ा ध्यान से देखना। अब सेम ये हमारा जीरो से, जीरो से स्टार्ट है अप टू हंड्रेड तक लिया है, जीरो से स्टार्ट करके वैल्यू अप टू हंड्रेड तक ली है, और ये है हमारे क्या मार्क्स, और इस तरफ है हमारे सब्जेक्ट्स। मार्क्स मैंने जीरो से स्टार्ट करके हंड्रेड तक लिखे हुए हैं और इस तरफ लिखे हुए हैं सब्जेक्ट्स। अब पहले सब्जेक्ट है इंग्लिश, इंग्लिश में वैल्यू है 67। एंड एक चीज और मैं बता दूं, जैसे आप जीरो लिखोगे जो डार्क लाइन है और नेक्स्ट डार्क लाइन पे लिखोगे 10, तो इनके बीच में टोटल 10 लाइनें होंगी छोटी छोटी, थोड़ी कम डार्क 10 लाइनें होंगी, तो आपको उनकी काउंटिंग की उनकी हेल्प लेके 67 काउंट करना है। अब 67 कहां बनेगा, 67 बनेगा 60 और 70 के बीच में। अब 60 से 60 से आगे काउंट करोगे 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, जो 67 वाली लाइन होगी उसको थोड़ा डार्क करके और ऐसे मिला देना। देन इसी में ये तो थी आपकी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या है 70, फिर 70 थोड़ा ऐसे और इसे इस वाली लाइन से ज्वाइन करा देना ऐसे, ये दोनों के दोनों एक साथ बनेंगे, फिर एक ब्लॉक का स्पेस छोड़ना है। देन नेक्स्ट, अब इसमें हमारे दो ब्लॉक यूज होंगे, एक ये फर्स्ट वाला सेकंड और ये थर्ड, मतलब ये कंटिन्यू दो ब्लॉक फिर एक ब्लॉक का स्पेस, ये हमारा फर्स्ट टर्म और ये हमारी सेकंड। उसके बाद हिंदी, हिंदी में वैल्यू है 72। अब 70 से ऊपर काउंट करेंगे, जो फर्स्ट लाइन होगी वो 71, सेकंड लाइन होगी 72, ये होगी जी 72 की लाइन, फिर इसे आप ऐसे 72 लाइन को ऊपर से कंटिन्यू कर देंगे और ये यहां से ऐसे आ जाएगी। अब सेकंड टर्म में वैल्यू कितनी है 65, 65 60 और 70 के बीच में, 60 के बाद काउंट करेगा 1 2 3 4 5, जहां 5 आएगा वहां यहां पे ऐसे मिला देना और ये नीचे कंटिन्यू। तो ये हमारी ये तो हो गई फर्स्ट
और ये हो गई सेकंड। सेम मैथ्स में वैल्यू है 88, अब 80 के बाद 80 और 90 के बीच में 8 लाइन काउंट करोगे, 80 1 2 3 4 5 6 7 8 जहां 8 आएगा वहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देगा। फिर ये हो गई आपकी फर्स्ट और ये हो गई आपकी सेकंड, सेकंड की वैल्यू है 95। फिर सेम साइंस में वैल्यू है 81, 80 के बाद जस्ट ऊपर वाली लाइन 81 और ये हो गई 85, ये हो गई फर्स्ट टर्म, ये हो गई सेकंड। सोशल साइंस में ये है 73 फर्स्ट और ये है 75 सेकंड। अब फर्स्ट पार्ट में बोला गया है किस सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा हुई, किस सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस इंप्रूव सबसे ज्यादा हुई। अब यहाँ पे इंप्रूवमेंट कितने नंबर की है, अगर पहले 67 थे और अब 70 है तो 3 नंबर की इंप्रूवमेंट, इसमें भी थोड़ी है, इसमें कितने की इंप्रूवमेंट है, इसमें कितने की इंप्रूवमेंट है और इसमें कितने की इंप्रूवमेंट है। अब इन सभी की इंप्रूवमेंट चेक करेंगे किसमें इंप्रूवमेंट ज्यादा हुई है। अब इसमें इंप्रूवमेंट हुई 2 नंबर की, इसमें इंप्रूवमेंट हुई 4 नंबर की, यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुई 7 नंबर की। अब यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुई है या परफॉर्मेंस लो गई है, पहले 72 थे अब 65 हो गए हैं, यहाँ परफॉर्मेंस लो गई है और यहाँ पे फिर इंप्रूवमेंट हुई, तो सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट कौन सी किसमें हुई, सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई मैथ्स में, तो इंप्रूवमेंट मोस्ट हुई मैथ्स में। अब आपको बताना था इंप्रूवमेंट कम कौन किस सब्जेक्ट में हुई, कम हुई है 2 मार्क्स सोशल साइंस में। थर्ड वाले पार्ट में बताना था परफॉर्मेंस किस सब्जेक्ट में डाउन गई है, किस सब्जेक्ट में, एक ही सब्जेक्ट में गई है वो है हिंदी, तो परफॉर्मेंस गोन डाउन हिंदी। कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 कंसीडर दैट डाटा कलेक्शन फॉर ए सर्वे ऑफ ए कॉलोनी, ये दे रखी है आपको, ये डाटा दे रखा है कि फेवरेट स्पोर्ट्स उस कॉलोनी में क्या क्या है, कितने लोग उसे वॉच करते हैं, कितने उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। क्रिकेट जो वॉच है वो है 1240, पार्टिसिपेशन है 620, बास्केटबॉल 470 और पार्टिसिपेशन है 320, स्विमिंग 510 और पार्टिसिपेशन 320, हॉकी 430, 250, एथलीट्स 250 और 105। तो आपको पहले तो इसका बनाना है डबल बार ग्राफ, फिर बताना है कौन सा स्पोर्ट्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और किस चीज़ को प्रेफरेंस ज़्यादा दी गई है, देखने को या पार्टिसिपेशन को। चलिए पहले बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब ये जो बार ग्राफ बनेगा ये सेम बनेगा लास्ट क्वेश्चन की तरह, वहां पे जो हमने स्केल चूज किया था 1 यूनिट 10 के इक्वल था और यहाँ पे जो हम स्केल यूज करेंगे वो 1 यूनिट इक्वल्स टू 100। मतलब जो जहां हमने 10 लिखा था वहां लेके चलेंगे 100, 0, 100, 200, 300, 400, वहां हमने लिया था 0, 10, 20, 30, अब ये हो जाएगा 100 में। तो हमने टोटल 1300 तक वैल्यूज लिख ली हैं, ये हमारे हैं पीपल्स, ये हमारे हैं पीपल और इस तरफ लिखे हैं मैंने उनके स्पोर्ट्स। अब पहली वैल्यू है क्रिकेट, अब जैसे वहां पे इन दोनों लाइनों के बीच में हम क्या सपोज कर रहे थे कि 10 लाइनें होती हैं, तो 1, 2, 3, 4, up to 10 तक। अब इन दोनों के बीच में जो 10 लाइनें होंगी वो इंडिकेशन करेंगी हर एक लाइन 10 को, मतलब 0 में तो फर्स्ट लाइन होगी वो होगी 10, फिर सेकेंड लाइन 20, 30, 40, 50, 60, ये तब 100 बनेगा। तो फर्स्ट वैल्यू है 1240। अब पहले 1240 कहाँ होगा, इसके बाद 4 लाइन है तो ये बन गई। फिर पार्टिसिपेशन कितना है 620, तो 600 के बाद 2 लाइन है 620। तो जैसे आपने फर्स्ट पे बनाया था वहां एक लाइन को 1 से रिप्रेजेंट किया था, यहाँ एक सिंगल लाइन रिप्रेजेंट होगी 10 से, और जो इनके बीच का गैप था वहां 10 का था और यहाँ पे गैप
पैराग्राफ है 100 का और यहाँ पे इंडिकेशन है 10 का एक लाइन का, तो आप काउंट करके इस ग्राफ को ड्रॉ कर लेना। पहला लिखा हुआ है क्रिकेट का, सेकंड बना हुआ है बास्केटबॉल का, बास्केटबॉल की वैल्यू है 470 तो ये वाली, और ये वाली है 320, ये वाली स्विमिंग की है, स्विमिंग में ये फर्स्ट, वॉचिंग की है 510 और ये 320। देन नेक्स्ट इज हॉकी, इट इज 430, इट इज 250। नेक्स्ट इज एथलीट 250 और इट इज 105। अब आप इनको जो आपके पोल्स ड्रॉ हुए हैं इसमें, अगर आपको इनमें अलग अलग थोड़ा डिफरेंस शो करना है तो आप इन्हें कलर भी कर सकते हो। कैसे, सपोज करो मैंने क्रिकेट के लिए लिया यहाँ पे रेड कलर और पूरे क्रिकेट में दोनों तरफ रेड कर दिया, या फिर आप क्रिकेट में दो कलर यूज कर लो, एक जो आपका वॉचिंग है उसमें पूरी वॉचिंग में यहाँ लिखा वॉचिंग को हमने इंडिकेट किया हुआ है रेड कलर से, और जो पार्टिसिपेशन है उसको इंडिकेट किया हुआ है ग्रीन कलर से। तो आप जितनी भी वॉचिंग वाले टावर हैं उन्हें कलर करो रेड से, और जितने भी पार्टिसिपेशन वाले टावर हैं उन्हें कलर करो ग्रीन से। तो आपको अलग अलग इंडिकेशन भी दिखेगा कि वॉचिंग कौन है और पार्टिसिपेशन कौन सा पर्सन है। अब सेकंड, और आपका जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो भी थोड़ा अच्छा लगेगा। और सेकंड पार्ट में बोला गया था विच स्पोर्ट्स इज मोस्ट पॉपुलर। अब सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है इसमें, सबसे ज्यादा पॉपुलर है क्रिकेट, तो मोस्ट पॉपुलर है क्रिकेट। अब सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसे दी गई है, वॉचिंग को या पार्टिसिपेशन को, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है देखने को, तो मोर प्रेफरेंस, मोर प्रेफर्ड या मोर प्रेफरेंस वॉचिंग को दी गई है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 6 टेक द डाटा गिवन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटीज। नीचे टेबल दे रखी है, इस टेबल में आपको अलग अलग सिटीज का डाटा जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दे रखा है। पहली सिटी है अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जम्मू एंड मुंबई। टेम्परेचर है मैक्सिमम 38, 37, 28, 36, 38, 39, 41, 32, मिनिमम है 29, 26, 21, 27, 28, 29, 26, 27। अब मेन चीज, ये जो टेबल है ये आपकी नोटबुक में बनी होनी चाहिए, क्योंकि विदाउट टेबल ना तो ग्राफ समझ में आएगा और ना ही जो आंसर है ये समझ में आएंगे। अब उसमें बोला गया है प्लॉट ए डबल बार ग्राफ, एक तो इस डाटा का यूज करके एक डबल बार ग्राफ बनाना है। दूसरा, विच सिटी हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर, किस सिटी के टेम्परेचर में ज्यादा डिफरेंस है। Which is the hottest city and coldest city, and दो सिटी के नाम बताने हैं जहां मैक्सिमम टेम्परेचर किसी दूसरी सिटी के मिनिमम टेम्परेचर से कम हो। Name the city which has the least difference between the minimum and maximum temperature, उस सिटी का नाम बताना है जिसके मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर के डिफरेंस कम हो। पहले बार ग्राफ जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट टू क्वेश्चन में डबल बार ग्राफ बनाया, बिल्कुल सेम बार ग्राफ बनेगा। वहां पे लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने डिफरेंस 100 का लिया था, यहाँ हमारी 1 unit = 10K कॉल रहेगी। इस तरफ हमने इंडिकेट किया टेम्परेचर, ये हमारी सिटीज, सेम प्रोसेस, पहला मैक्सिमम 38, तो 38 आप वही 0 से 10 के बीच में जितनी भी वो 10 लाइनें होती है वो इंडिकेट, वन लाइन वन को इंडिकेट करेगी। तो 30 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 काउंट करके आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, सेम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो मैं एक बार बस बता देता हूँ, ये हमारी 38 है, ये 29, ये है अहमदाबाद के लिए, ये सेकेंड है अमृतसर 37, 26, ये है बेंगलोर 28, 21, ये है चेन्नई 36, 27, यह दिल्ली इट इज 38, 28, देन इट इज जयपुर 39, 29, जम्मू 41, 26, मुंबई 32, 27। अब आप यहाँ पे भी अलग अलग इंडिकेशन के लिए जो आपका मैक्सिमम वाला पोल है
जहां पे आपने मैक्सिमम टेम्परेचर लिखा है उसको कलर कर दो, जैसे हमने ले लिया येलो, जितने भी मैक्सिमम है ये 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 मैक्सिमम जो आपका टेम्परेचर है उसे येलो से कलर कर दो, और जो मिनिमम टेम्परेचर है उसे इंडिकेट कर दो पिंक या ब्लू या जो आपका मन करे, आप कोई भी कलर यूज कर सकते हो। तो इससे हमारा ग्राफ भी अच्छा लगेगा और इंडिकेशन भी हो जाएगा। चलिए जो आपके स्टेटमेंट्स क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर फाइंड आउट करते हैं। किस सिटी में टेम्परेचर डिफरेंस लार्जेस्ट टेम्परेचर डिफरेंस है? तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है आपका जम्मू के अंदर 41.26, यहाँ सबसे ज्यादा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया जम्मू। सेकेंड, हॉटेस्ट सिटी कौन सी है, हॉटेस्ट कौन सी होगी जहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ है? जम्मू के अंदर ही। तो हॉटेस्ट सिटी है जम्मू। कोल्डेस्ट कौन है जिसमें टेम्परेचर सबसे कम हो? सबसे कम टेम्परेचर है बेंगलोर में 21, तो कोल्डेस्ट सिटी हो गई बेंगलोर। अब आपको ऐसी दो सिटी के नाम बताने हैं जहां मैक्सिमम, एक सिटी के मैक्सिमम टेम्परेचर, किसी एक सिटी का मैक्सिमम टेम्परेचर कम रहे किसी अलग दो सिटी के मिनिमम टेम्परेचर से। सपोज करो मैंने यहां से सबसे कम टेम्परेचर ढूंढा, मैक्सिमम सबसे कम है 28, अब 28 टेम्परेचर ये लिखा। अब चेक करना है मिनिमम में 28 से ज्यादा किसका है। अब 28 से ज्यादा एक ये है और एक ये, तो हमारी दो सिटी पेयर में क्या होगी, मतलब पहले मैक्सिमम टेम्परेचर क्या था बेंगलोर का, अब वो मैक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम से किस किस सिटी का कम है? मिनिमम से ये 28 मिनिमम जो टेम्परेचर है उसमें किस किस से कम है 28, तो कम किस से है? अहमदाबाद से कम है और जयपुर से कम है। तो आंसर बनेगा बेंगलोर जयपुर बेंगलोर अहमदाबाद। अब लास्ट पार्ट है, विच सिटी हैज द लेस्ट डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर? तो सबसे कम डिफरेंस है मुंबई के अंदर, तो आंसर आ गया मुंबई। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।